हेलो एवरीवन, स्क्वायर क्लासेस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम सॉल्व करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट जो कि हिंदी का होने वाला है। यूपी ट्रिपल एस सी यानी कि यूपी ट्रिपल एस सी नहीं यूपी पीएससी जो आर ओ आर ओ का पेपर होने वाला है उसका जो हिंदी का पेपर है, जहाँ से आपका 5-6 टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं, तो उनमें से आज हम एक टॉपिक के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यानी प्रैक्टिस सेट हमारा होगा 50 क्वेश्चन की जो श्रृंखला है ये होने वाली है। और आर ओ में जो हिंदी से प्रश्न आते हैं वो 5-6 टॉपिक से आते हैं। जैसे आपका आता है विशेषण से क्वेश्चन आता है, अनेक शब्दों या वाक्यांशों के लिए एक शब्द जो है यहाँ से एक टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाता है, वर्तनी से आता है, और जो अशुद्धियाँ संबंधी यानी वाक्य संबंधी जो अशुद्धियाँ होती हैं यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके अलावा विलोम टॉपिक जो है वहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, पर्यायवाची से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और तद्भव तत्सम से। तो ये सभी 5-6 टॉपिक हैं जहाँ से आरओ के प्रीलिम्स में क्वेश्चन आपके हिंदी के टॉपिक से पूछे जाते हैं। और हिंदी में टोटल 60 प्रश्न आते हैं आपके, और आज हम 50 प्रश्नों की श्रृंखला जो है हमारी सॉल्व करेंगे उसको। प्रैक्टिस सेट है, पहला प्रैक्टिस सेट है यूपी ट्रिपल सी आरओ का 2023 जो होने वाला है, और टॉपिक है विशेषण। तो 50 क्वेश्चन हमारे विशेषण के टॉपिक से होने वाले हैं। टोटल तो हमारे 60 क्वेश्चन आते हैं एग्ज़ाम में, लेकिन 50 क्वेश्चन हम आज केवल विशेषण के सॉल्व करेंगे। इसी प्रकार अगले जो हमारा सेशन होगा इसके बाद वाला, उसमें हम टॉपिक वाइज 50 प्रश्न आपके लेके आएंगे। और जब हमारे सभी टॉपिक कंप्लीट हो जाएंगे तो हम मिसलेनियस क्वेश्चन को आपको पूरा 60 प्रश्नों की सेट जो होगा उसको करवाएंगे। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं 50 क्वेश्चन जो हमारे हैं विशेषण से, इन सभी को हम सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न हमारा कि थोड़ा इसको छोटा कर लेते हैं कि अर्चना अत्यंत सुंदर है। प्रश्न क्या है कि अर्चना अत्यंत सुंदर है, वाक्य में कौन सा शब्द विशेषण है। तो जो आपका यहाँ पर शब्द दिया है उसमें विशेषण शब्द को आपको पहचानना है। तो आपका पहला ऑप्शन है अर्चना, क्या अर्चना शब्द विशेषण है, या अत्यंत शब्द विशेषण है, या सुंदर शब्द विशेषण है, या है शब्द विशेषण है। तो विशेषण की अगर हम बात करें तो विशेषण वे शब्द होते हैं जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को बताते हैं। तो यहाँ विशेषता बतलाने का काम हो रहा है किसके बारे में, अर्चना के बारे में। और कौन सा शब्द है जो विशेषता बता रहा है, तो वह शब्द है आपका सुंदर। तो यहाँ पर सुंदर शब्द आपका विशेषण है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका सी ऑप्शन यहाँ पर सही है, सुंदर शब्द इसमें आपका जो है वो आपका विशेषण है। अगले प्रश्न पर चलेंगे हम और लेंगे हम दूसरा प्रश्न। तो दूसरा प्रश्न है कि कश्मीरी सेब सिंदूरी लाल होता है, वाक्य में रेखांकित जो शब्द है विशेषण के किस भेद के अंतर्गत आता है। यहाँ पर जो आपका शब्द दिया गया है कि जो कश्मीरी सेब है वह सिंदूरी लाल होता है, तो यहाँ पर जो सिंदूरी शब्द है इसको यहाँ पर आप रेखांकित कर लीजिए, और यहाँ पर सिंदूरी को बताना है कि जो सिंदूरी शब्द है यह किस प्रकार का विशेषण है। तो क्या है, गुणवाचक विशेषण है, या प्राविशेषण है, या सार्वनामिक विशेषण है, या आपका मात्रात्मक विशेषण है। तो यहाँ पर जो आपका सिंदूरी शब्द है यह आपका प्राविशेषण है, यानी ये एक तो लाल तो आपका विशेषण है, और विशेषण जो है विशेषण यहाँ पर लाल है, और लाल की विशेषता बतला रहा है सिंदूरी की, सिंदूरी लाल है, लाल तो है लेकिन सिंदूरी लाल है। तो यहाँ पर जो सिंदूरी शब्द है आपका वह आपका प्राविशेषण का काम कर रहा है, अर्थात बी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे हम और लेंगे तीसरा प्रश्न। और तीसरा प्रश्न है कि ऋषि की गाय बहुत दूध देती है, वाक्य में रेखांकित शब्द किस विशेषण का उदाहरण है। यहाँ पर जो आपका रेखांकित शब्द बताना है कि जो आपका बहुत है यह किस प्रकार का विशेषण है। तो बहुत दूध देती है कौन, ऋषि की गाय। तो यहाँ पर जो बहुत शब्द है यह किस प्रकार का विशेषण है, क्या यह मात्रात्मक विशेषण है, या यह संख्यावाचक विशेषण है, या यह सार्वनामिक विशेषण है, या यह गुणवाचक विशेषण है। तो यहाँ पर आपको बताना है, यहाँ पर आपका जो बहुत है यह आपका परिमाणवाचक विशेषण है, यानी मात्रा को बता रहा है आपका। तो यहाँ पर परिमाण अर्थात मात्रात्मक यहाँ पर होगा, लेकिन यहाँ पर होना चाहिए परिमाणवाचक विशेषण। तो यहाँ पर ऑप्शन के अकॉर्डिंग ए ऑप्शन को आप यहाँ पर सही कर सकते हैं, और यह परिमाणवाचक विशेषण होगा, क्योंकि दूध को नापा या तौला जाता है, तो इसको हम परिमाणवाचक विशेषण के अंतर्गत रखेंगे। अगले प्रश्न पर चलेंगे हम और चौथा प्रश्न हमारा कि किस प्रकार के विशेषण में दो प्राणियों या वस्तुओं इत्यादि के गुण दोष अथवा विशेषता की तुलना कर
एक दूसरे को बढ़ा चढ़ाकर बताया जाता है। तो यहाँ पर दो प्राणी या वस्तु के बीच में गुण और दोष को बढ़ा चढ़ाकर बताने की बात की गई है। तो इसमें बताना है कि किस प्रकार का विशेषण होगा। तो इसमें क्या सार्वनामिक विशेषण होगा या मूलावस्था विशेषण होगा या चापलूसी करना विशेषण है या इसमें उत्तरावस्था विशेषण है। तो अगर दो प्राणी या दो वस्तुओं की बात की जाए, उनके गुण और दोष के बारे में विशेषता की जाए की तुलना की जाए एक दूसरे से, तब वहाँ पर आपका होता है उत्तरावस्था विशेषण, यानी यह उत्तरावस्था विशेषण का प्रकार होगा यहाँ पर। तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही है, उत्तरावस्था आपका सही आंसर है। अगले प्रश्न पर चलेंगे हम और लेंगे सेशन का पाँचवा प्रश्न। और पाँचवा प्रश्न है कि कोई शब्द में कौन सा विशेषण का बोध होता है, यानी जो शब्द आपका कोई दिया है यहाँ पर, इस शब्द में बताना है कि कौन सा विशेषण है। क्या इसमें सार्वनामिक विशेषण है या मूलावस्था विशेषण है या उत्तरावस्था विशेषण है या परिमाणवाचक विशेषण है। तो आपको इसमें बताना है कि इसमें कौन सा विशेषण है जो आपका कोई शब्द है। तो जो आपका कोई शब्द है इसमें आपका होगा सार्वनामिक विशेषण। तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन सही है, कोई शब्द आपका सार्वनामिक विशेषण है। कोई हो गया, किसको हो गया, तो ये सब आपका सार्वनामिक विशेषण के अंतर्गत आएंगे। अगले प्रश्न पर चलेंगे हम। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा छठवां क्वेश्चन कि उस विकल्प का चयन करें जो विशेषण का भेद है। आपके पास यहाँ पर एक वाक्य दिया गया है कि उस घर में मेरा दोस्त रहता है। यहाँ पर जो शब्द है उस घर में मेरा दोस्त रहता है, इसमें विशेषण का भेद बताना है कि इसमें कौन सा विशेषण होगा। क्या इसमें निश्चित परिमाणवाचक विशेषण होगा या इसमें अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण होगा या सार्वनामिक विशेषण होगा या गुणवाचक विशेषण होगा। तो यहाँ पर हम बात करें अगर कि उस घर में, संकेत कर रहा कि उस घर में मेरा दोस्त रहता है, तो यहाँ पर जो शब्द उस है यह आपका जो विशेषण है वो आपका है सार्वनामिक विशेषण। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही है, उस शब्द में आपका सार्वनामिक विशेषण है। अगले प्रश्न पर हम चलेंगे और प्रश्न है हमारा सातवां कि निम्न में से कौन सा संख्यावाचक विशेषण है। इसमें से बताना है कि कौन सा आपका संख्यावाचक विशेषण है। पहला ऑप्शन है आपका ए गरीब, बी ऑप्शन है आपका कुछ, सी ऑप्शन है कैसा और डी ऑप्शन है आपका सफ़ेद। तो अगर हम संख्यावाचक विशेषण की बात करें तो इसमें संख्याओं की बात की जाए यानी गणना की बात की जाएगी, तो वहाँ पर आपका संख्यावाचक विशेषण होगा। अगर हम गरीब शब्द की बात करें तो गरीब शब्द में संख्या की कहीं पर जिक्र नहीं किया जा रहा है, तो यहाँ पर नहीं होगा। अगर हम कुछ शब्द की बात करें तो कुछ शब्द आपका क्या है, यह आपका संख्यावाचक के अंतर्गत आएगा और आपका बी ऑप्शन सही होगा, क्योंकि कुछ में बात किया गया है संख्यावाचक कुछ हो सकता है, यानी कुछ मतलब निश्चित नहीं है लेकिन अनिश्चित है, अर्थात यहाँ पर अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण होगा। तो संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत आपका कुछ शब्द आएगा। कैसा शब्द आपका स्थिति बताएगा कि किस कंडीशन में है, और सफ़ेद आपका कलर बता रहा है अर्थात रंग बता रहा है, यह आपका गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आएगा। तो यहाँ पर आपका संख्यावाचक का जो बोध करा रहा है वह शब्द आपका है क्या, कुछ। तो यहाँ पर कुछ आपका बिल्कुल सही आंसर है। अगले प्रश्न पर चलेंगे हम और आठवां प्रश्न है कि यह घोड़ा अच्छा है। इस वाक्य में यह जो शब्द है वह क्या है। यहाँ पर एक वाक्य है कि यह घोड़ा अच्छा है, यहाँ पर जो शब्द में यह शब्द है बताना है कि यह क्या है। क्या यह सार्वनामिक विशेषण है या गुणवाचक विशेषण है या प्राविशेषण है या संख्यावाचक विशेषण है। तो यहाँ पर बताना है कि जो यह शब्द है यह किस प्रकार का विशेषण है। तो जो आपका यह शब्द है, यह वह ऐसा वैसा, तो ये सब आपके क्या हैं, सार्वनामिक विशेषण है, यानी किसी वस्तु को संकेत कर रहे हैं कि यह वस्तु अच्छी है। तो किसी वस्तु को संकेत कर रहे हैं तो यहाँ पर सार्वनामिक विशेषण होंगे। गुणवाचक विशेषण क्या होता है, किसी वस्तु के गुण या दोष के बारे में इसमें बताया जाता है, तो यहाँ पर गुणवाचक विशेषण होता है। प्राविशेषण वह होते हैं जो विशेषण की विशेषता बताते हैं, तो वह आपके प्राविशेषण कहलाते हैं। अगला आपका संख्यावाचक विशेषण, तो ऐसा विशेषण जिसमें संख्याओं की बात की जाए अर्थात गणना के बारे में वर्णन किया जाए, तो वहाँ पर आपका संख्यावाचक विशेषण होता है। अगले प्रश्न पर हम चलेंगे और नौवां प्रश्न हमारा प्रश्न है कि गिलास में थोड़ा दूध है। यहाँ पर प्रश्न है कि गिलास में
थोड़ा दूध है वाक्य में रेखांकित शब्द विशेषण के किस भेद के अंतर्गत आएगा। यहाँ पर जो आपका थोड़ा शब्द है यह बताना है कि कौन सा विशेषण होगा इसमें। क्या इसमें संकेतवाचक विशेषण होगा या संख्यावाचक विशेषण होगा या आपका परिमाणवाचक विशेषण होगा या गुणवाचक विशेषण होगा। तो यहाँ पर जो आपका थोड़ा शब्द है यह दूध की विशेषता बतला रहा है कि दूध जो है यह थोड़ा है। तो यहाँ पर दूध की विशेषता बतला रहा है थोड़ा, तो थोड़ा आपका विशेषण है लेकिन किस प्रकार का विशेषण है। चूँकि दूध आपका परिमाणवाचक विशेषण है तो थोड़ा जो आपका शब्द होगा यह भी आपका परिमाणवाचक विशेषण के अंतर्गत आएगा। तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही है, थोड़ा शब्द में आपका परिमाणवाचक विशेषण है। अगले प्रश्न पर हम चलेंगे और दसवां प्रश्न हमारा कि पर्वतीय जो शब्द है आपका पर्वतीय इसमें कौन सा विशेषण है आपको बताना है कि पर्वतीय जो शब्द है इसमें किस प्रकार का विशेषण है। क्या इसमें संख्यावाचक विशेषण है या गुणवाचक विशेषण है या आपका परिमाणवाचक विशेषण है या आपका इसमें सार्वनामिक विशेषण है। तो बताना है आपको कि जो पर्वतीय शब्द है इसमें किस प्रकार का विशेषण है। तो अगर हम पर्वतीय की बात करें तो कहीं ना कहीं ये पर्वत की विशेषता बताएगा और पर्वत की विशेषता बताएगा तो उसके गुण के बारे में जैसे पर्वत की ऊंचाई लंबाई चौड़ाई इन सभी के बारे में या उसके आसपास के जो क्षेत्र हैं पर्वत के बारे में विशेषता को बताएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर होगा आपका गुणवाचक विशेषण। तो पर्वतीय शब्द में आपका गुणवाचक विशेषण है तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पर आपका सही होगा। अगले प्रश्न पर हम चलेंगे और ग्यारहवां प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 11 कि निम्न में कौन सा शब्द विशेषण है। इसमें विशेषण शब्द को बताना है कि कौन सा शब्द विशेषण है। क्या चमकीला शब्द विशेषण है या लिखना शब्द विशेषण है या कुछ शब्द विशेषण है या आपका आगरा शब्द विशेषण है। तो अगर हम ऑप्शन ए की बात करें कि जो चमकीला शब्द है यह आपका विशेषण है तो ए ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल सही है। क्योंकि यह विशेषण के किस प्रकार में आएगा तो गुणवाचक विशेषण है यानी किसी के गुण को बता रहा है कि यहाँ पर चमकीला जो शब्द है यह गुणवाचक विशेषण है तो ए ऑप्शन सही है। लिखना आपकी क्रिया है। यहाँ पर कुछ शब्द की बात करें हम तो कुछ भी आपका विशेषण के अंतर्गत आएगा लेकिन अनिश्चित संख्यावाचक में आएगा। तो यहाँ पर कुछ भी विशेषण के अंतर्गत आ सकता है लेकिन जो आपका सबसे उचित आंसर है यहाँ पर वो आपका चमकीला शब्द है। चूँकि चमकीला जो है वो किसी वस्तु की विशेषता बताएगा कि कोई वस्तु जो है वो चमकदार है। अगला आगरा है आपका, तो आगरा आपका इस प्रकार की संज्ञा है यानी आगरा संज्ञा है यानी स्थानवाचक विशेषण यानी स्थान का बोध करा रहा है आगरा तो यहाँ पर आपका संज्ञा हो जाएगा। अगले प्रश्न पर हम चलेंगे और प्रश्न है आपका 12वां कि इस पर्वतमाला में ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं। इस पर्वतमाला में बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं। इस वाक्य में विशेषण शब्द की विशेषता प्रकट करने वाले विकल्प का चयन करें। यानी जो हमारा शब्द है कि इस पर्वतमाला में बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं इसमें हमें विशेषण बताना है कि कौन सा विशेषण है। क्या ऊंचे ऊंचे शब्द विशेषण है या बहुत शब्द विशेषण है या पहाड़ शब्द विशेषण है या इस शब्द आपका विशेषण है। तो अगर हम विशेषण की बात करें तो यहाँ पर विशेषण कह रहा है कि विशेषण शब्द की विशेषता प्रकट करने वाला, तो विशेषण शब्द की विशेषता कौन प्रकट करता है, वह प्रकट करता है आपका प्राविशेषण। तो यहाँ पर आपको प्राविशेषण को चुनना है कि इस शब्द इस वाक्य में प्राविशेषण क्या है। अगर इसमें हम ऊंचे ऊंचे शब्द की बात करें तो यहाँ पर जो आपका ऊंचा ऊंचा शब्द है यह आपका विशेषण है और इसकी विशेषता बतला रहा है आपका बहुत शब्द। चूँकि ऊंचा है लेकिन बहुत ऊंचा है तो विशेषण की विशेषता कौन बतला रहा है, बहुत शब्द। ऊंचा ऊंचा आपका विशेषण हो गया और विशेषण की विशेषता बतला रहा है आपका बहुत शब्द। तो यहाँ पर आपका जो बहुत शब्द है यह आपका होगा आपका प्राविशेषण। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही है, जो बहुत शब्द है यह आपका प्राविशेषण है। अगले प्रश्न पर हम चलेंगे और प्रश्न है 13वां। प्रश्न है कि निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण को पहचानिए। इसमें भी आपको क्या करना है, विशेषण को पहचानना है कि इसमें कौन सा शब्द विशेषण है। क्या नैतिक शब्द विशेषण है या अज्ञान शब्द विशेषण है, और सी ऑप्शन है मजहब और डी ऑप्शन है आपका पीड़ा। तो आपको यहाँ पर विशेषण शब्द को बताना है कि इसमें कौन सा शब्द विशेषण है।
तो अगर हम ऑप्शन ए की बात करें कि जो नैतिकता शब्द है यानी नैतिक शब्द है आपका, यह आपका विशेषण है और यह आपका गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आएगा। तो नैतिक जो शब्द है यह आपका विशेषण है। अगले शब्द पर चलें, अगले प्रश्न पर चलेंगे हम, और प्रश्न संख्या है 14। इसमें भी आपका विशेषण शब्द को बताना है, क्योंकि टॉपिक हमारा है विशेषण और 50 क्वेश्चन हमारे टोटल हैं, और इन सभी में हमारे 50 क्वेश्चन टोटल केवल विशेषण और प्राविशेषण से होने वाले हैं। तो विशेषण से 50 क्वेश्चन हम करेंगे, फिर अगले टॉपिक में भी हम 50 क्वेश्चन हर टॉपिक से कम करेंगे। अब यहाँ पर विशेषण शब्द आपका दिया है 4 ऑप्शन, इसमें बताना है कि कौन सा विशेषण है। ऑप्शन ए है कठोरता, ऑप्शन बी है उचित, ऑप्शन सी है घबराहट और ऑप्शन डी है आपका लड़कपन। तो यहाँ पर बताना है कि कौन सा शब्द विशेषण है। तो अगर हम कठोरता की बात करें तो किसी वस्तु के कठोर होने के बारे में बताएगा, और यहाँ पर अगर हम उचित शब्द की बात करें तो उचित किसी वस्तु के स्थिति के बारे में बताएगा। तो यहाँ पर विशेषण शब्द आपका जो बनेगा वह उचित शब्द बनेगा। तो उचित शब्द आपका क्या है, एक प्रकार का विशेषण है। अगले प्रश्न पर हम चलेंगे और लेंगे हम 15वां प्रश्न, और 15वां प्रश्न है कि जो शब्द संज्ञा की विशेषता बताते हैं उन्हें क्या कहा जाता है। आपका शब्द है कि जो संज्ञा की विशेषता बतलाते हैं उन्हें क्या कहते हैं। तो आपने अगर विशेषण की परिभाषा पढ़ी है तो उसमें कहा गया है कि संज्ञा या सर्वनाम की जो विशेषता बतलाते हैं वही शब्द आपके विशेषण होते हैं। तो यहाँ पर संज्ञा की विशेषता बतलाने की बात की गई है, तो संज्ञा की विशेषता कौन बतलाएगा, वह बतलाएगा आपका विशेषण शब्द। तो यहाँ पर आपका विशेषण ऑप्शन जो होगा वह आपका सही होगा। तो ऑप्शन ए है आपका क्रिया, तो बिल्कुल गलत है। ऑप्शन बी है सर्वनाम, तो यह भी आपका गलत है। ऑप्शन सी है क्रिया विशेषण, तो यहाँ पे क्रिया की विशेषता बतलाई जाएगी ना कि संज्ञा की। और ऑप्शन डी है आपका विशेषण, तो विशेषण शब्द आपके संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं। तो डी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है। अगले प्रश्न पर चलेंगे हम, और प्रश्न संख्या है 16। इसमें आपका विशेषण शब्द दिया गया है। आपका जो विशेषण शब्द बताना है कि जो स्त्री शब्द है इसका विशेषण शब्द क्या होगा। तो स्त्री का विशेषण क्या होगा, क्या स्त्री का विशेषण स्त्री होगा या स्त्रीय होगा या स्त्रैण होगा या स्तैण होगा। तो अगर हम बात करें स्त्री शब्द की, तो जो आपका स्त्री शब्द है इसका जो विशेषण होता है वह आपका होता है स्त्रैण। तो यहाँ पर आपका जो सी ऑप्शन है आपका बिल्कुल सही है, स्त्री शब्द का विशेषण होता है आपका स्त्रैण। तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही है। अगले प्रश्न पर चलेंगे हम, और प्रश्न है हमारा 17। यहाँ भी आपको विशेषण बताना है कि कौन सा शब्द विशेषण है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए है भ्रम, ऑप्शन बी है शिक्षा, ऑप्शन सी है क्षम्य और ऑप्शन डी है आपका फेन। तो 4 ऑप्शन में आपको बताना है कि कौन सा शब्द आपका विशेषण है। तो अगर हम भ्रम शब्द की बात करें तो क्या यह विशेषण है, तो यह विशेषण नहीं है आपका। अगर हम शिक्षा की बात करें तो शिक्षा भी आपका विशेषण नहीं है। अगर हम फेन शब्द की बात करें तो फेन भी आपका विशेषण नहीं है। तो आपका ऑप्शन बच जाता है सी, और सी ऑप्शन आपका है क्षम्य। तो जो आपका क्षम्य शब्द है यह आपका क्या है, एक प्रकार का विशेषण है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही है। अगले प्रश्न पर चलेंगे हम, और प्रश्न संख्या है 18। और प्रश्न है कि यह मकान मेरे भाई का है, इसमें रेखांकित पद क्या है। यहाँ पर यह को रेखांकित कर लीजिए कि जो यह शब्द है यहाँ पर बताना है कि रेखांकित शब्द क्या है। इसमें जो आपका यह शब्द है यह क्या है, क्या यह विशेषण है या यह क्रिया विशेषण है या संज्ञा है या आपका संकेतवाचक सर्वनाम विशेषण है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन आपके दिए गए हैं, आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन आपका सही है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। अगर हम विशेषण शब्द की बात करें तो जो यह शब्द है यह विशेषण है, लेकिन किस प्रकार का विशेषण है यह आपको यहाँ पर नहीं दिया गया है कि यह जो है यह किस प्रकार का विशेषण है। अगला है विशेषण तो नहीं है, विशेषण के प्रकार में है लेकिन विशेषण डायरेक्ट नहीं कह सकते। अगर ऑप्शन में विशेषण के प्रकार नहीं दिया होता तो हम विशेषण इसको ऑप्शन में लगा सकते थे, लेकिन अभी नीचे ऑप्शन दिया हुआ है कि हाँ विशेषण के प्रकार में कौन सा विशेषण है। अगला है क्रिया विशेषण, तो क्रिया विशेषण नहीं है। अगला हम संज्ञा की बात करें तो यहाँ पर संज्ञा भी नहीं है। अगर हम अगले संकेत वाचक सर्वनाम की विशेषण बात करें कि संकेतवाचक जो सर्वनाम विशेषण है
तो यहाँ पर जो आपका संकेतवाचक सर्वनाम विशेषण है यह आपका सही है, क्योंकि यह सर्वनाम तो है ही लेकिन इसके साथ में यह संकेतवाचक विशेषण भी है, तो इस प्रकार यह शब्द जो आपका है वह संकेतवाचक सर्वनाम विशेषण है, तो डी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही होगा। यहाँ पर विशेषण आपका तब सही होता जब आपका संकेतवाचक सर्वनाम विशेषण ऑप्शन में ना होता, तब यह शब्द को आप विशेषण मान सकते थे। अगले प्रश्न पर चलेंगे हम, और प्रश्न संख्या है 19, और 19वां प्रश्न है हमारा। प्रश्न है कि अर्चना अत्यंत सुंदर है, रेखांकित पदों का भेद बताइए। इसके पहले अभी एक शब्द आया था जिसमें विशेषण बताना था, इसमें पद का भेद बताना है। रेखांकित जो पद आपका दिया है इसमें भेद बताना है, जो आपका शब्द दिया गया है इसमें आपको भेद को बताना है कि यहाँ पर रेखांकित अत्यंत कर लीजिए, क्योंकि अत्यंत शब्द को रेखांकित किया गया है यहाँ पर। तो ऑप्शन ये है प्राविशेषण, तो क्या अत्यंत शब्द प्राविशेषण है या साविशेषण, ऑप्शन सी है विशेषमा, और ऑप्शन डी है विशेष से विशेषण। तो अगर हम अत्यंत सुंदर की बात करें, तो यहाँ पर अगर हम सुंदर शब्द की बात करें तो सुंदर शब्द आपका तो विशेषण है, लेकिन अत्यंत शब्द क्या है विशेषता बतला रहा है कि सुंदर तो है लेकिन अत्यंत सुंदर है, यानी यह विशेषण की विशेषता बतला रहा है, तो इसलिए यहाँ पर जो आपका अत्यंत शब्द है यह आपका जाएगा प्राविशेषण के अंतर्गत। तो ए ऑप्शन यहाँ पर आपका सही होगा, जो अत्यंत शब्द है यह आपका प्राविशेषण है। अगले प्रश्न पर हम चलेंगे, और 20वां प्रश्न हमारा, इनमें से विशेषण शब्द कौन सा है। आपको फिर से बताना है कि विशेषण इनमें से कौन सा है। चार ऑप्शन है आपके पास, चारों में बताना है कि कौन सा शब्द आपका विशेषण है। क्या अनुशासन शब्द विशेषण है, या शासन शब्द विशेषण है, या अनुशंसा शब्द विशेषण है, या आपका अनुशासित शब्द विशेषण है। तो यहाँ पर विशेषता कौन बतला रहा है, जो शब्द आपका चारों में है। अनुशासन शब्द क्या आपका विशेषण है, तो बिल्कुल नहीं, यह आपका विशेषण नहीं है। अगला है शासन शब्द, तो शासन भी आपका विशेषण नहीं है। इसके बाद आपका अनुशंसा शब्द है, तो यह भी आपका विशेषण नहीं है, लेकिन जो आपका अनुशासित शब्द है यह आपका क्या है, एक विशेषण है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही होगा। अनुशासित का अर्थ होता है कि वो अनुशासन में है, चाहे वो किसी के दबाव में आकर है या स्वतः है, लेकिन वो अनुशासित है। तो यहाँ पर विशेषण का एक प्रकार होगा कि हाँ यह क्या है, अनुशासित है और यह इसका गुण है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही होगा। अगले प्रश्न पर हम चलेंगे, और लेंगे हम सेशन का अगला प्रश्न। और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो एक बार वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। अगले प्रश्न पर चलते हैं, और प्रश्न हमारा कि दृश्य बहुत ही मनोरम था, वाक्य के रेखांकित शब्द का विशेषण भेद बताइए। यहाँ पर आपको विशेषण के भेद को बताना है कि इसमें कौन सा विशेषण है, जो आपका मनोरम शब्द है यह मनोरम शब्द आपको बताना है कि विशेषण का कौन सा प्रकार है। क्या यह परिमाणवाचक विशेषण है, या संख्यावाचक विशेषण है, या गुणवाचक विशेषण है, या इनमें से कोई नहीं। तो अगर हम मनोरम शब्द की बात करें, तो जो मनोरम शब्द है यह कहीं ना कहीं किसी वस्तु के गुण के बारे में बता रहा है, यानी किसी की वस्तु की विशेषता बतला रहा है और उसका गुण बता रहा है कि यह मनोरम है अर्थात सुंदर है। तो मनोरम अर्थात मन को जो भाने वाला है मनोरम है। तो यहाँ पर जो आपका विशेषण का प्रकार होगा वह होगा आपका गुणवाचक विशेषण। तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही है। परिमाणवाचक विशेषण में क्या होता है कि वस्तु के वजन के बारे में, माप तौल के बारे में बताया जाता है। संख्यावाचक में किसी वस्तु के संख्याओं के अर्थात गणना के बारे में बताया जाता है। तो यहाँ पर आपका जो आंसर होगा वह गुणवाचक विशेषण आपका आंसर होगा। अगले प्रश्न पर चलेंगे हम, और प्रश्न संख्या हमारा है 22, और 22वां प्रश्न हमारा कि वह बहुत धार्मिक व्यक्ति है, वह बहुत धार्मिक व्यक्ति है, वाक्य में रेखांकित पद क्या है। आपको बताना है कि वह बहुत धार्मिक व्यक्ति है, वाक्य में जो रेखांकित पद है वह क्या है। क्या यह संज्ञा है, या क्रिया है, या सर्वनाम है, या विशेषण है। तो अगर हम बात करें वह बहुत धार्मिक व्यक्ति है, इसमें अगर हम रेखांकित शब्द की बात करें, तो यहाँ पर जो आपका धार्मिक है इसको आप रेखांकित कर सकते हैं। तो धार्मिक शब्द में आपको बताना है कि यहाँ पर रेखांकित पद में क्या है। तो क्या यह संज्ञा है, या क्रिया है, या सर्वनाम है, या आपका विशेषण है।
तो व्यक्ति की विशेषता बतला रहा है कि व्यक्ति धार्मिक है, अर्थात धर्म से संबंधित है, धर्म को मान्यता देता है, धर्म को मानता है, धर्म में विश्वास करता है। तो यहाँ पर व्यक्ति धार्मिक है अर्थात धर्म से इसको रिलेट किया जा रहा है। तो व्यक्ति क्या है, धर्म के बारे में जागरूक है, उससे रिलेटेड है, धर्म उपयोगी कार्य करता है। तो यहाँ पर जो आपका रेखांकित पद बनेगा धार्मिक, वह आपका क्या बनेगा, बनेगा आपका विशेषण। तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही है कि व्यक्ति कैसा है, धार्मिक है, व्यक्ति की विशेषता बतला रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही होगा। अगले प्रश्न पर चलेंगे हम, और प्रश्न संख्या हमारा है 23। और 23वां प्रश्न हमारा प्रश्न है कि निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण को पहचानिए, यानी इसमें से कौन सा शब्द विशेषण है आपको इसमें बताना है। प्रश्न संख्या हमारा 23, पहला ऑप्शन हमारा अपेक्षा, क्या अपेक्षा शब्द आपका विशेषण है। दूसरा ऑप्शन है ऐतिहासिक, ऑप्शन सी है आश्वासन, और ऑप्शन डी है आपका उपासना। तो अगर हम यहाँ पर विशेषण शब्द की बात करें तो यहाँ पर जो आपका ऐतिहासिक शब्द है यह आपका एक प्रकार का विशेषण है। तो बी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही हो जाएगा, ऐतिहासिक अर्थात इतिहास से रिलेटेड है, यानी इसमें विशेषता बदला रहा है कि यह कोई भी वस्तु है जो ऐतिहासिक है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही होगा। अगले प्रश्न पर चलेंगे हम, और 24वां प्रश्न है कि समझदार शब्द विशेषण का कौन सा भेद है। यहाँ पर एक शब्द दिया गया है समझदार, अब इसमें बताना है कि जो समझदार शब्द है यह किस प्रकार का विशेषण है। क्या यह गुणवाचक विशेषण है, या सार्वनामिक विशेषण है, या संख्यावाचक विशेषण है, या परिमाणवाचक विशेषण है। तो अगर हम समझदार शब्द की बात करें तो जो समझदार शब्द है यह किसी न किसी व्यक्ति की विशेषता बतलाएगा, और वह विशेषता किस प्रकार की होगी, वह किसी व्यक्ति या वस्तु का गुण होगा कि कोई भी व्यक्ति है जो समझदार है, तो गुण के बारे में बताएगा किसी व्यक्ति के। तो यहाँ पर आपका क्या होगा, गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। तो यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही होगा, समझदार शब्द जो है इसमें आपका गुणवाचक विशेषण है। अगले प्रश्न पर हम चलेंगे, और 25वां प्रश्न हमारा, विशेषण के मुख्यतः कितने भेद होते हैं आपको बताना है, कि जो विशेषण है इसके कितने भेद होते हैं यहाँ पर आपको बताना है। आपके पास चार ऑप्शन है, ऑप्शन ए है 6 भेद होते हैं क्या, ऑप्शन बी है 4 भेद, ऑप्शन सी है 3 भेद, और ऑप्शन डी है 2 भेद। तो अगर हम विशेषण की बात करें तो विशेषण के कितने भेद होते हैं, तो विशेषण के मुख्य रूप से आपके होते हैं 4 भेद। 4 भेद आपके गुणवाचक विशेषण होगा, संख्यावाचक होगा आपका, परिमाणवाचक होगा, और प्राविशेषण। तो इस प्रकार का आपके 4 प्रकार के विशेषण होते हैं, यानी विशेषण के जो मुख्य भेद हैं वो 4 हैं। तो हम आधे सेशन पे पहुंच चुके हैं, हमारा यहाँ पर बी ऑप्शन सही होगा, मुख्यतः 4 भेद होते हैं विशेषण के। तो आधा क्लास हमारा ख़त्म हो चुका है, यानी 25 क्वेश्चन हम कर चुके हैं, और बचा हमारा 25 क्वेश्चन। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। अगले प्रश्न पर चलते हैं, और प्रश्न हमारा है 26। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण नहीं है, यानी इसमें से कौन सा शब्द जो है वो विशेषण नहीं है आपको बताना है। ऑप्शन ए है बर्फीला, ऑप्शन बी है नमक, ऑप्शन सी है नमकीन, और ऑप्शन डी है आपका पथरीला। तो अगर हम बर्फीला की बात करें तो बर्फीला शब्द आपका विशेषण है, यानी बर्फ़ की विशेषता बतला रहा है कि बर्फ़ ठंडा है अर्थात बर्फीला है। अगला है नमक, तो नमक शब्द आपका यहाँ पर विशेषण नहीं है, तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। नमकीन शब्द की बात करें तो नमकीन शब्द आपका विशेषण है, यानी किसी वस्तु की विशेषता बदला रहा है कि इसका जो स्वाद है वो नमकीन की तरह था, खारा है। अगला है डी ऑप्शन, ऑप्शन डी है आपका पथरीला, पथरीला अर्थात पत्थर से संबंधित, यानी कोई भी जो मिट्टी है या कोई सड़क है या कोई स्थान है वो पथरीला है, अर्थात वहाँ पर कंकड़ पत्थर पाए जाते हैं, तो यहाँ पर पथरीला शब्द भी आपका विशेषण है। तो यहाँ पर आपका जो नमक शब्द है इसमें आपका विशेषण नहीं है, और यहाँ पर नहीं ही पूछा था कि विशेषण किसमें नहीं है, तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न पर हम चलेंगे, और प्रश्न है 27, यानी निम्न वाक्य विशेषण की किस अवस्था से है, यानी यहाँ पर एक शब्द दिया गया है, बताना है कि इसमें विशेषण का कौन सा भेद होगा। यह करेला कड़वा है, आपके पास एक शब्द है कि यह करेला कड़वा है, इसमें बताना है कि विशेषण की कौन सी अवस्था है। क्या इसमें उत्तमावस्था है, या मूलावस्था है, या उत्तरावस्था है, या अधिकावस्था है।
तो अगर हम बात करें कि यह करेला कड़वा है, इसमें क्या है, करेला के कड़वाहट की बात की गई है कि करेला जो है उसका मूल गुण है कि करेला कड़वा होता है। तो यहाँ पर क्या होगा, इसमें आपका जो ऑप्शन सही है वो होगा इसके मूलावस्था की। तो करेला कड़वा है यानी यह करेला कड़वा है, इसमें अगर हम विशेषण की अवस्था की बात करें तो इसमें इसकी मूलावस्था होती है, यानी बी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही है। अगले प्रश्न पर चलेंगे हम, और प्रश्न संख्या है 28। और 28वां प्रश्न हमारा कि निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से संज्ञा शब्द से बनने वाला सही विशेषण शब्द वाला विकल्प चुनिए। यहाँ पर आपके पास एक शब्द दिया गया है, शब्द दिया गया है क्या, शक्ति। अब यहाँ पर आपका जो शक्ति शब्द है इससे बनने वाला जो विशेषण होगा आपको बताना है कि वह कौन सा विशेषण होगा। क्या शक्तिरोधक होगा, या शक्तिवर्धक होगा, या सशक्त होगा, या शक्तिशाली होगा। तो शक्ति शब्द आपका क्या है, संज्ञा है। तो शक्ति शब्द से जो आपका विशेषण बनेगा वह बनेगा आपका क्या, शक्तिशाली। तो यहाँ पर आपका जो शक्तिशाली वाला ऑप्शन है वह आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो डी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है, शक्ति शब्द का जो विशेषण होगा वह बनेगा आपका शक्तिशाली। अगले प्रश्न पर चलेंगे हम, और 29 नंबर का प्रश्न है, चर्चा शब्द से बना विशेषण है। एक शब्द दिया गया है चर्चा, अब बताना है कि जो चर्चा शब्द है इससे कौन सा विशेषण बनेगा। क्या इससे चर्चित बनेगा, या चर्या बनेगा, या चर्चाएं बनेगा, या चर्चा बनेगा। तो चर्चा जो शब्द है इससे जो बनने वाला विशेषण होगा, कौन सा शब्द है, चर्चा शब्द है, इससे बनने वाला जो आपका विशेषण होगा वह बनेगा आपका चर्चित। तो यहाँ पर चर्चित जो आपका है यह चर्चा का विशेषण होगा, चर्चा मूल शब्द है, इसका विशेषण बनेगा आपका चर्चित। तो यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही है, चर्चित जो है आपका चर्चा शब्द का विशेषण है। अगले प्रश्न पर हम चलेंगे, और प्रश्न संख्या हमारा है 30। और 30वां प्रश्न है कि बसंत के मौसम में पीले फूल खिलते हैं। यहाँ पर प्रस्तुत वाक्य में विशेषण कौन सा है आपको बताना है, कि बसंत के मौसम में पीले फूल खिलते हैं। यहाँ पर आपको विशेषण बताना है कि इसमें कौन सा विशेषण है, क्या मौसम शब्द विशेषण है, या पीले शब्द विशेषण है, या बसंत शब्द विशेषण है, या फूल शब्द विशेषण है। तो मौसम की बात करें तो मौसम शब्द में विशेषण नहीं है, बसंत शब्द की बात करें तो बसंत शब्द में भी आपका विशेषण नहीं है, फूल की बात करें तो फूल भी आपका विशेषण नहीं है। लेकिन अगर हम पीले की बात करें तो पीला शब्द आपका गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आता है, तो पीला शब्द आपका क्या होगा, आपका यहाँ पर होगा विशेषण। तो पीला शब्द आपका विशेषण है, यानी बी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही है। ये फूल की विशेषता बतला रहा है कि फूल कैसा है, पीला है, यानी बसंत के मौसम में पीले फूल खिलते हैं, तो पीला शब्द आपका विशेषण हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलेंगे हम, और 31 नंबर का प्रश्न हमारा कि मैंने अपना घर मटमैले रंग का रंगवाया है। इसमें जो मटमैला शब्द है बताना है कि यह क्या है। तो मटमैला शब्द बता रहा है क्या, कि जो घर है वो मटमैला रंग से रंगाया गया है, यानी मटमैला शब्द कहीं ना कहीं आपका विशेषता बतला रहा है किसका, घर की, कि घर जो है वो मटमैला कलर का रंगाया गया है। तो यहाँ पर घर के बारे में विशेषता बतलाने का काम कर रहा है कौन, मटमैला शब्द। तो मटमैला शब्द आपका क्या हो जाएगा, आपका विशेषण हो जाएगा। तो यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही है, कि जो मटमैला शब्द है यहाँ पर उसमें आपका विशेषण है। अगले प्रश्न पर चलेंगे हम, और 32 नंबर का प्रश्न है कि कोई दर्शक गण, यहाँ पर शब्द दिया गया है कि कोई दर्शक गण किस विशेषण का उदाहरण है। यहाँ पर जो शब्द है कि कई दर्शक गण, कई दर्शक गण। तो यहाँ पर आपको विशेषण के प्रकार बताना है कि इसमें कौन सा विशेषण होगा। क्या इसमें निश्चित संख्यावाचक विशेषण होगा, या अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण होगा, या अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण होगा, या आपका निश्चित परिमाणवाचक विशेषण होगा। तो निश्चित संख्यावाचक विशेषण में बात करें तो इसमें संख्याएं निश्चित होती हैं, जैसे 2, 4, 6, 8, 10 निश्चित होती हैं। तो इसमें निश्चित तो है नहीं, इसमें कई दर्शक गण हैं। निश्चित नहीं किया गया है कि 5 हैं, 8 हैं, 10 हैं, इसमें कई की बात किया गया है। तो पहला ऑप्शन आपका गलत हो गया,
अगला है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, तो इसमें संख्या को निश्चित नहीं किया गया है कि कितने हैं, तो इस प्रकार आपका बी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। कई दर्शक गण यानी जो कई शब्द है इसमें संख्यावाचक विशेषण तो है लेकिन अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है, इसमें संख्या को निश्चित नहीं किया गया है, तो इस प्रकार आपका बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलेंगे हम, और 33 नंबर का प्रश्न है कि नीचे दिए गए शब्द किस गुणवाचक विशेषण अच्छा, दानी, कृपा, न्यायी और कृपालु, इसमें नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं, इसमें बताना है कि किस गुणवाचक विशेषण के प्रकार हैं ये, यानी जो नीचे शब्द दिए गए हैं इसमें जो है गुणवाचक विशेषण है लेकिन किस प्रकार का है, तो क्या इसमें आकार बोधक है जो अच्छा शब्द है, दानी शब्द है, न्याय शब्द है और कृपालु शब्द है, इसमें किस प्रकार का गुण होगा, क्या आकार बोधक होगा या गंध बोधक होगा या दोष बोधक होगा या गुण बोधक होगा, तो आपको बताना है कि इसमें विशेषण तो है लेकिन किस प्रकार का विशेषण है, तो आकार की बात यहाँ पर नहीं की गई है। अगर हम अच्छा, दानी, न्यायी और कृपालु की बात करें तो इसमें गंध की बात भी नहीं की गई है, इसमें दोष की बात भी नहीं की गई है, लेकिन इसमें गुण के बारे में बताया गया है कि कोई व्यक्ति अच्छा है या दानी है, न्यायी है, कृपालु है, तो यह क्या है किसी व्यक्ति के गुण हैं, कि कोई व्यक्ति अच्छा है, कोई व्यक्ति दानी है या कोई व्यक्ति न्यायी है अर्थात न्याय के मार्ग पर चलता है या कोई व्यक्ति कृपालु है अर्थात कृपा करता है, तो यहाँ पर यह किसी व्यक्ति के क्या हैं गुण हैं, तो यहाँ पर गुण बोधक होगा यानी डी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर हम चलेंगे, और 34 नंबर का प्रश्न है कि कौन सा विशेषण निश्चित संख्यावाचक विशेषण नहीं है। यहाँ पर आप एक चीज़ ध्यान रखेंगे कि जब आप प्रश्न को पढ़ेंगे तो आपको लास्ट में देखना है कि नहीं या असत्य या सत्य शब्द लगा है अगर, तो आपको क्वेश्चन को बहुत ध्यान से करना है। इस कंडीशन में क्या होता है कि क्वेश्चन के जो आंसर होते हैं ये बदल जाते हैं, आपको लास्ट में देख लेना है कि क्वेश्चन में नहीं, असत्य या सत्य या उल्टा ऐसा शब्द कहीं पे मिलता है, तो क्वेश्चन को आपको बहुत केयरफुल होकर पढ़ना है और उसके आंसर जो हैं वो बहुत ध्यानपूर्वक आपको देने हैं। तो यहाँ पर क्या है कि निश्चित संख्यावाचक विशेषण नहीं है आपको बताना है। पहला ऑप्शन है सैकड़ों लोग मारे गए, तो क्या इसमें निश्चित संख्या है, इसमें कहा गया है सैकड़ों लोग, तो सैकड़ों कहा ये नहीं कहा गया कि 100 लोग मारे गए, कहा गया कि सैकड़ों लोग मारे गए, तो सैकड़ों जो होता है हजारों हो गया, दसों हो गया, तो ये शब्द आपके जो होते हैं ये आपके अनिश्चित संख्याएँ होती हैं, यानी कि अनिश्चित संख्यावाचक आपके विशेषण होते हैं, तो ये आपका पहला ऑप्शन ही आपका यहाँ पर सही है कि यहाँ पर बताना था निश्चित संख्यावाचक नहीं है, तो यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका अनिश्चित है यानी निश्चित नहीं है, तो ए ऑप्शन ही आपका सही हो जाएगा। अगला ऑप्शन है आपका 1 किलो आम से ज़्यादा मत लेना, तो यहाँ पर 1 किलो निश्चित कर दिया गया, तो आपका निश्चित नहीं है, तो ये तो निश्चित है तो यहाँ पर ये नहीं होगा। अगला है कुर्ते के लिए 2 मीटर कपड़ा चाहिए, तो 2 मीटर भी आपका निश्चित है, तो ये भी आपका गलत हो गया। अगला है चाय में 50 ग्राम चीनी डालना, यहाँ पर 50 ग्राम भी निश्चित कर दिया गया, तो यहाँ पर तीनों ऑप्शन ये आपके बिल्कुल गलत हैं यानी कट जा रहे हैं, और पहला ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जा रहा है। अगले प्रश्न पर चलेंगे हम, और 35 नंबर का प्रश्न है कि किस वाक्य में प्राविशेषण नहीं है, फिर लास्ट में आपका आ गया कि कौन सा ऐसा वाक्य है जिसमें प्राविशेषण नहीं है। अब प्राविशेषण क्या होते हैं, ऐसे शब्द जो विशेषण की विशेषता बतलाते हैं उन्हें हम प्राविशेषण कहते हैं, तो आपको यहाँ पर नहीं की बात किया गया है कि जिस शब्द में प्राविशेषण नहीं है उसको बताना है। ऑप्शन ए है आपका आजकल संतरे कुछ ज़्यादा खट्टे हैं, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर खट्टे तो आपका विशेषण है लेकिन ज़्यादा खट्टे जो है आपका ये प्राविशेषण है, और नहीं की बात की गई है, जो जिसमें नहीं प्राविशेषण उसी को बताना है, तो इसमें तो है तो यह आपका नहीं होगा। अगला है बच्चे समझदार हो गए हैं, तो बच्चे समझदार हैं, यहाँ पर समझदार क्या है, बच्चे हैं, तो बच्चों की विशेषता बतला रहा है कौन सा शब्द, समझदार शब्द, तो यहाँ पर यह समझदार क्या है, विशेषण है ना कि प्राविशेषण, तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही है। अगला है अरे बहुत ही सुंदर फूल है, तो यहाँ पर फूल तो है, इसके अलावा सुंदर आपका विशेषण हो गया और बहुत शब्द आपका क्या हो गया, प्राविशेषण हो गया, तो यह आपका गलत हो गया, यानी इसमें हमारा प्राविशेषण है तो यह हमारा सही नहीं है। अगला है मुझे तो थोड़ी सी भूख है, तो भूख क्या है, विशेषण है, लेकिन थोड़ी सी क्या है,
थोड़ी सी आपका प्राविशेषण है, तो यह भी आपका सही नहीं है। तो इस प्रकार यहाँ पर जो ऑप्शन सही है आपका वो बी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही है। अगले प्रश्न पर चलेंगे हम, और 36 नंबर का प्रश्न है कि मेरे कुर्ता पजामा में 3.5 मीटर कपड़ा लगेगा। यहाँ पर एक शब्द है कि मेरे कुर्ता पजामा में 3.5 मीटर कपड़ा लगेगा। अब यहाँ पर बताना है कि इसमें किस प्रकार का विशेषण होगा, किसमें 3.5 मीटर जो है इसमें किस प्रकार का विशेषण होगा आपको वहाँ पर बताना है। पहला है आपका गुणवाचक, दूसरा है परिमाणवाचक, तीसरा है संख्यावाचक और चौथा है आपका संकेतवाचक। तो अगर किसी वस्तु को नापा जाता है मीटर में, लीटर में, तो यह सब आपके परिमाण के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पर क्या है, कुर्ते की लंबाई के बारे में बात किया गया है कि मीटर में इसको नापा गया कितना, 3.5 मीटर। तो कहीं ना कहीं यह लंबाई को बता रहा है, और लंबाई को हम किस में रखते हैं, परिमाण के अंतर्गत रखते हैं। तो यहाँ पर आपका परिमाणवाचक विशेषण आपका सही हो जाएगा। तो इस प्रकार आपका बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न पर चलेंगे हम, और अगला प्रश्न हमारा 37 नंबर का प्रश्न। टोटल हमारे 50 क्वेश्चन हैं और 36 क्वेश्चन हम कर चुके हैं। टोटली हमारे बचे हैं 14 क्वेश्चन बचे हैं, और इन सभी को हम सॉल्व करेंगे। और चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, और अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि आपके दोस्तों को भी नोटिफिकेशन इसकी मिलती रहे और वो भी क्लास को अटेंड कर सके। चलिए स्टार्ट करते हैं 37 नंबर का प्रश्न। तो पहला 37 नंबर का जो प्रश्न है यह है कि मौसम आज कुछ सुहावना सा है। क्या है, मौसम आज कुछ सुहावना सा है, वाक्य में जो सुहावना शब्द है यह किसका परिचायक शब्द है। बताना है कि जो सुहावना शब्द है यह क्या है, क्या यह क्रिया विशेषण है, या आपका संज्ञा है, या आपका विशेषण है, या आपका ये विशेष्य है। तो अगर हम क्रिया विशेषण की बात करें तो क्रिया विशेषण क्या होती है, जो क्रिया की विशेषता बतलाते हैं। संज्ञा शब्द क्या है, किसी वस्तु वस्तु के, किसी व्यक्ति वस्तु या कोई स्थान है उसके नाम को हम संज्ञा कहते हैं। अगर हम विशेषण की बात करें तो विशेषण शब्द वह होते हैं जो किसी व्यक्ति वस्तु यानी संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता को प्रकट करते हैं, तो उन्हें हम विशेषण कहते हैं। तो यहाँ पर सुहावना शब्द क्या है, यह मौसम की विशेषता बतला रहा है कि मौसम जो है यह आज कुछ सुहावना है। तो सुहावना जो शब्द है यह आपका विशेषण है, यानी मौसम की विशेषता बतला रहा है। तो सी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलेंगे हम, और 38 नंबर का प्रश्न है। प्रश्न है कि आसमान का रंग नीला है, इसमें विशेष शब्द को पहचानिए। बताना है कि विशेष शब्द इसमें कौन सा है, तो विशेष से आपको बताना है। अब यहाँ पर दो चीज़ें आपको जानना है, एक आपका होता है विशेष और एक आपका होता है विशेषण। तो विशेष शब्द के बारे में हम पहले जान लेंगे। तो विशेष शब्द वह शब्द होते हैं जिनकी विशेषता बतलाई जाती है, उनको हम विशेष कहते हैं। और जो आपका विशेषण शब्द होता है, तो विशेषण शब्द क्या होता है, यह विशेषता को बतलाता है, ना कि इसकी विशेषता बतलाई जाती है। तो विशेष और विशेषण में बहुत थोड़ा सा अंतर है, इसमें बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा विशेष है कौन सा विशेषण। तो विशेष शब्द क्या होते हैं, जिनकी विशेषता बतलाई जाती है, और विशेषण क्या होते हैं, जो शब्द विशेषता बतलाते हैं। बहुत थोड़ा सा अंतर होता है, लेकिन क्वेश्चन यहाँ से गलत होने की संभावनाएं ज़्यादा रहती हैं। तो यहाँ पर आपको विशेष से बताना है, तो भी हमने बताया कि विशेष क्या होते हैं, जिनकी विशेषता बतलाई जाती है। तो यहाँ पर विशेषता किसकी बतलाई जा रही है, आसमान शब्द की विशेषता बतलाई जा रही है कि आसमान शब्द क्या है, नीला है। तो यहाँ पर आसमान क्या होगा, आपका हो जाएगा विशेष। तो इस प्रकार ए ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल सही है, आसमान शब्द आपका विशेष है, लेकिन जो नीला शब्द है यह आपका विशेषण है। तो आसमान विशेष और नीला शब्द आपका विशेषण, आकाश आपका संज्ञा हो जाएगा, और रंग आपका ये भी हो जाएगा विशेषण। अगले प्रश्न पर चलेंगे हम, और अगला प्रश्न हमारा है कि 25 रुपये दीजिए, वाक्य में विशेषण पहचानिए। कि जो यहाँ पर शब्द है कि 25 रुपये, तो 25 रुपये में आपको बताना है कि किस प्रकार का विशेषण होगा इसमें। क्या निश्चित संख्यावाचक विशेषण होगा, या क्रमवाचक विशेषण होगा, या समुदायवाचक विशेषण होगा, या आपका आवृत्तिवाचक विशेषण होगा। तो अगर हम 25 रुपये की बात करें, तो 25 रुपया एक निश्चित संख्या है,
तो यहाँ पर आपका जो ऑप्शन सही है वो ए ऑप्शन सही है कि जो 25 रुपये हैं यह एक निश्चित संख्या है, इसमें से संख्याएं कम ज़्यादा या ऐसी नहीं कि जिनको गिना ना जा सके, यानी निश्चित संख्या है 25। तो 25 आपका निश्चित संख्या होने की वजह से यहाँ पर आपका जो विशेषण का प्रकार बनेगा वह बनेगा निश्चित संख्यावाचक विशेषण। अगले प्रश्न पर हम चलेंगे और 40 नंबर का प्रश्न है कि दिए गए विकल्पों में से उन्नति शब्द क्या दर्शाता है। एक शब्द दिया गया है आपका उन्नति, बताना है कि जो उन्नति शब्द है यह क्या है, क्या यह विशेषण है या यह विशेष्य है या प्रति विशेषण है या क्रिया विशेषण है। तो अगर हम उन्नति शब्द की बात करें तो यह किसी न किसी वस्तु या व्यक्ति की विशेषता को प्रकट कर रहा है कि कोई वस्तु उन्नति कर रहा है यानी ऊंचाइयों को छू रहा है, तो यहाँ पर यह विशेषण बनेगा और बी ए ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। जो उन्नति शब्द है यह आपका विशेषण शब्द है। अगले प्रश्न पर चलेंगे हम और 41 नंबर का प्रश्न हमारा कि दिए गए विकल्पों में से पवित्रता का विशेषण कौन सा है। जो आपका एक शब्द दिया गया है पवित्रता, इसका विशेषण बताना है कि क्या होगा। तो क्या पवित्र होगा या पवित्रात्मा होगा या पाक होगा या आपका पवित्रतम होगा। तो पवित्रता शब्द के हम विशेषण की बात करें तो पवित्रता शब्द का विशेषण जो बनेगा वह बनेगा आपका पवित्र। तो ए ऑप्शन यहाँ पर सही है, पवित्र से पवित्रता बनेगा, पवित्रता का पवित्र बनेगा, तो यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर हम चलेंगे और 42 नंबर का प्रश्न हमारा कि जिस संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बताई जाए वह क्या कहलाता है। अभी हमने आपको बताया था कि ऐसे शब्द जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता को प्रकट करते हैं उन्हें हम कहते हैं क्या, उन्हें हम विशेषण के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर प्रश्न में दिया गया है कि संज्ञा या सर्वनाम शब्द की जो विशेषता बताए उसे हम क्या कहेंगे, तो उसे हम कहेंगे विशेषण। तो ए ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न पर हम चलेंगे और अगला प्रश्न हमारा 43 नंबर का, यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं। शब्द क्या है, चीनी, मद्रासी, बिहारी आदि शब्द कौन सा विशेषण है। यानी जो आपका शब्द दिया गया है चीनी शब्द, मद्रासी शब्द और बिहारी शब्द, इसमें विशेषण का प्रकार बताना है कि यह किस प्रकार का विशेषण है। क्या यह स्थान बोधक विशेषण है या यह दिशा बोधक विशेषण है या अवस्था बोधक विशेषण है या आकार बोधक विशेषण है। तो अगर हम चीनी की बात करें तो चीनी अर्थात चीन देश से बात की गई है, तो चीन क्या है, एक स्थान है यानी देश है, स्थान है। मद्रासी की बात करें तो मद्रास की बात कर रहा है, यह भी एक स्थान है। बिहारी की बात करें तो यह भी बिहार के बारे में बता रहा है, तो बिहार भी एक स्थान है। तो इस प्रकार चीनी, मद्रासी और बिहारी जो शब्द हैं इसमें आपका विशेषण होगा, और किस प्रकार का विशेषण, यह आपका स्थान बोधक विशेषण हो जाएगा यहाँ पर। तो ये ऑप्शन यहाँ पर यानी पहला ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न पर चलेंगे हम और 44 नंबर का प्रश्न हमारा, मोहन तुमसे 54 काम करता है। यहाँ पर एक शब्द दिया गया है कि मोहन तुमसे 54 यानी 4 गुना काम करता है। इस वाक्य में विशेषण को आपको पहचानना है कि जो 54 शब्द है यह किस प्रकार का विशेषण है। क्या यह संकेतवाचक विशेषण है या आवृत्तिवाचक विशेषण है या परिमाणवाचक विशेषण है या सार्वनामिक विशेषण है। तो यहाँ पर अगर हम संख्यावाचक के अंतर्गत जब जाते हैं तो संख्यावाचक जो विशेषण होता है उसमें कई प्रकार के आते हैं, गणनावाचक, अनिश्चित संख्यावाचक, संख्यावाचक, संकेत के आवृत्तिवाचक, तो ये सभी आते हैं। तो जो आपका 54 है अर्थात 4 गुना की बात कर रहा है, तो 4 जो गुना है यह कहीं ना कहीं रिपीट हो रहा है यहाँ पर कि 4 गुना है किसी चीज़ का, यानी आवृत्ति हो रही है कि 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार, तो इस प्रकार यह आवृत्ति का बोध करा रहा है। तो यहाँ पर जो 4 गुना यानी 54 शब्द है यह आपका आवृत्तिवाचक विशेषण है। तो बी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर हम चलेंगे और प्रश्न है हमारा 45 प्रश्न जो आपका है, यहाँ पर प्रश्न है कि एक लड़का स्कूल जा रहा है, इस वाक्य में विशेषण शब्द को आपको पहचानना है कि इसमें कौन सा विशेषण होगा। तो
किस प्रकार का विशेषण होगा आपको बताना है कि एक लड़का, यहाँ पर जो शब्द दिया गया है एक, यही शब्द आपको बताना है कि किस प्रकार का विशेषण है ये। क्या यह समुदायवाचक है या क्रमवाचक है या गणनावाचक है या आवृत्तिवाचक है। तो अगर हम समुदाय की बात करें तो समुदाय में क्या होता है, दो चार छः व्यक्तियों का समूह या वस्तुओं का समूह होता है। यहाँ पर चूंकि समूह नहीं है, एक लड़का की बात की गई है, तो पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल गलत है। अगला है क्रमवाचक। क्रम में क्या होता है, सीरियल वाइज होगा, पहले एक फिर दो फिर तीन फिर चार। तो इस प्रकार क्रम की बात करेंगे तो यहाँ पर क्रम तो आपका नहीं है, केवल एक ही है तो क्रम तो बनेगा नहीं। अगला है आपका गणनावाचक। तो गणनावाचक बिल्कुल आपका सही है, यह एक निश्चित गणनावाचक है, चूँकि एक लड़का है, लड़का कितना है एक, तो यह कहीं ना कहीं गणना है यानी गिनती के अंतर्गत आपका आएगा, एक दो तीन चार। तो इस प्रकार आपका जो एक लड़का शब्द में एक है, यह आपका गणनावाचक विशेषण है, तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला है आपका आवृत्तिवाचक। तो आवृत्ति भी नहीं होगा, आवृत्ति में क्या होता है, संख्याओं का दोहराव होता है, पहला दूसरा तीसरा चौथा, तो इस प्रकार क्या होता है, आवृत्ति होता है, एक गुना दो गुना चार गुना, यह आवृत्ति के अंतर्गत आएंगे। तो यहाँ पर आपका जो ऑप्शन सही है वो सी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है। अगले प्रश्न पर चलेंगे हम, और 46 नंबर का प्रश्न हमारा कि योग्य व्यक्ति ही पहचाना जाता है। क्या चीज, योग्य व्यक्ति ही पहचाना जाता है, वाक्य में जो योग्य शब्द है यह क्या है आपको बताना है। यहाँ पर आपको विशेषण के प्रकार दिए गए हैं, आपको बताना है कि यह किस प्रकार का विशेषण होगा। क्या यह परिमाणवाचक विशेषण होगा या गुणवाचक विशेषण होगा या सार्वनामिक विशेषण होगा या संख्यावाचक विशेषण होगा। यहाँ पर जो योग्य शब्द दिया गया है इसमें आपको बताना है कि यह किस प्रकार का विशेषण होगा। तो क्या यह परिमाणवाचक होगा, तो बिल्कुल नहीं, परिमाण में मात्रा की बोध क्या बोध कराया जाता है, यानी किसी वस्तु के वजन के बारे में भार के बारे में बात करेंगे अगर हम, तब वहाँ पर हमारा परिमाणवाचक विशेषण होगा। तो पहला तो हमारा गलत है। अगला है आपका गुणवाचक। तो योग्य व्यक्ति यानी किसी व्यक्ति की योग्यता के बारे में बता रहा है, तो योग्यता क्या है, किसी व्यक्ति का एक गुण होता है कि कोई व्यक्ति योग्य है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका जो है गुणवाचक विशेषण यह आपका सही है, यानी इस प्रश्न का जो आंसर बनेगा वह बनेगा आपका गुणवाचक विशेषण। अगला है सार्वनामिक विशेषण। तो सार्वनामिक विशेषण यहाँ पर आपका नहीं होगा, सार्वनामिक विशेषण वह होते हैं जो विशेषण की विशेषता को बतलाते हैं। अगला है आपका संख्यावाचक विशेषण। तो इसमें संख्या की बात नहीं की गई है, एक दो चार छः, तो यहाँ पर आपका संख्यावाचक विशेषण नहीं होगा। तो ऑप्शन जो बनेगा आपका यहाँ पर सही वह बनेगा आपका गुणवाचक विशेषण। अगले प्रश्न पर हम चलेंगे, और 47 नंबर का प्रश्न है, और हम धीरे धीरे सेशन के लास्ट में करीब में पहुँच रहे हैं, तीन चार क्वेश्चन बचे हैं हमारे, इन सभी को हम सॉल्व करके ख़त्म करते हैं। तो शब्द है इसमें आपका जो वाक्य बन रहा है, कह रहा है कि न्यूनतम विशेषण की कौन सी अवस्था है। यहाँ पर एक शब्द दिया गया है, कौन सा शब्द है, शब्द है आपका न्यूनतम। तो बताना है कि जो न्यूनतम आपका शब्द है यह विशेषण की किस अवस्था के अंतर्गत आएगा आपको बताना है। क्या यह प्रथमावस्था के अंतर्गत आएगा या मूलावस्था के अंतर्गत आएगा या उत्तमावस्था के अंतर्गत आएगा या उत्तरावस्था के अंतर्गत आएगा। तो अगर हम न्यूनतम शब्द की बात करें तो न्यूनतम जो शब्द बनेगा यह आपका बनेगा किस में, उत्तमा यानी उत्तमा नहीं, हाँ उत्तमावस्था के अंतर्गत आएगा, यानी सी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, न्यूनतम शब्द आपका उत्तमावस्था के अंतर्गत आएगा। मूलावस्था बनेगा न्यून, उसके बाद आपका जो उत्तरावस्था होती है उत्तरावस्था में न्यूनतर बनेगा और उत्तमावस्था में आपका बनेगा न्यूनतम। तो तीन अवस्थाएँ, मूलावस्था, आपका उत्तरावस्था और उत्तमावस्था, ये तीन अवस्थाएँ किसी भी शब्द की होती हैं। अगले प्रश्न पर हम चलेंगे, और 48 नंबर का प्रश्न हमारा कि निम्न वाक्यों में से विशेषण संबंधी वाक्य चुनिए। इसमें आपको विशेषण संबंधी वाक्य को चुनना है कि किस शब्द में किस वाक्य में विशेषण है। पहला वाक्य है सुनैना अच्छा चित्र बनाती है, ऑप्शन बी है रमा अच्छा गाती है, ऑप्शन सी है धीरे धीरे बोलो, और ऑप्शन डी है आज वर्षा अधिक हुई। तो यहाँ पर 48 नंबर के प्रश्न में आपको विशेषण संबंधी वाक्य चुनना है कि किस में आपका विशेषण है। तो अगर हम बात करें कि सुनैना अच्छा चित्र बनाती है, तो यहाँ पर जो आपका
विशेषण संबंधी वाक्य बनेगा वह आपका बनेगा कि जो सुनैना है यह अच्छा चित्र बनाती है, यानी चित्र की विशेषता बताया जा रहा है कि सुनैना किस प्रकार का चित्र बनाती है, अच्छा चित्र बनाती है। तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी सुनैना अच्छा चित्र बनाती है, यह विशेषण संबंधी है। अगला हमारा एक चीज़ को हम देख लेते हैं कि इसमें अगर बी ऑप्शन को देखा जाए तो बी में भी है कि रमा अच्छा गाती है, तो अच्छा क्या है यह भी विशेषता बतला रहा है। अगला है सी की धीरे धीरे बोलो, तो धीरे धीरे भी यहाँ पर भी विशेषण है, यहाँ पर भी विशेषण है, तो यहाँ पर तीनों में विशेषण बन रहे हैं। तो ऐसा लगता है कि यहाँ पर क्वेश्चन में नहीं होना चाहिए कि किस में आपका विशेषण नहीं है। तो वाक्य में आप जो प्रश्न है इसमें आप नहीं कर लेंगे कि विशेषण संबंधी जो वाक्य है कौन सा नहीं है, यानी किस में विशेषण नहीं है आपको बताना है। तो पहले में तो विशेषण है आपका, दूसरे में भी आपका क्या है विशेषण है, तीसरे में भी विशेषण है, पहले में अच्छा विशेषण है, इसमें भी अच्छा विशेषण है, धीरे धीरे भी विशेषण है, लेकिन जो आज वर्षा हुई शब्द है अधिक हुई इसमें आपका विशेषण नहीं है, यानी विशेषता को नहीं बतला रहा है। कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक है, तो इस क्वेश्चन को हम लीव कर देते हैं, छोड़ देते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे हम। और 49 नंबर का प्रश्न है कि यह कहानी रोचक है, यह कहानी रोचक है, यह विशेषण का कौन सा भेद है, बताना है कि यह विशेषण का किस प्रकार का भेद है। तो यहाँ पर जो यह शब्द है यहाँ पर दिया गया है कि जो यह है यह विशेषण का कौन सा भेद है। प्रश्न है यह कहानी रोचक है, तो कहानी तो रोचक है, यहाँ पर जो रोचक शब्द है यह आपका विशेषण है, लेकिन यहाँ पर जो यह शब्द है आपको बताना है कि इसमें कौन सा विशेषण है। क्या यह संकेतवाचक विशेषण है, या गुणवाचक विशेषण है, या आपका सार्वनामिक विशेषण है, या निश्चित संख्यावाचक विशेषण है। तो अगर किसी शब्द की वाक्य के पहले यह वह लग जाएगा तो इस प्रकार के जो हमारे शब्द होते हैं वो हमारे सार्वनामिक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। तो बी ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, प्रश्न में आपका यह जो शब्द है यह आपका सार्वनामिक विशेषण है। अगले प्रश्न पर चलेंगे हम, और सेशन का लास्ट प्रश्न है हमारा 50वां प्रश्न। टोटल हमारे 50 क्वेश्चन थे और 49 हमने सॉल्व कर लिया है, और लास्ट क्वेश्चन हमारा है, इसको सॉल्व करेंगे, इसके बाद सेशन को एंड करेंगे। तो सॉल्व कर लेते हैं इसे भी। प्रश्न है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा गुणवाचक का उदाहरण नहीं है। यहाँ पर आपको नहीं बताना है कि किसमें गुणवाचक विशेषण नहीं है। पहला ऑप्शन है प्रभावशाली, दूसरा ऑप्शन है पाश्चात्य, तीसरा ऑप्शन है आपका ऐतिहासिक, और चौथा ऑप्शन है बहुत लंबी रस्सी। तो इसमें बताना है कि किसमें आपका गुणवाचक विशेषण नहीं है। तो प्रभावशाली की बात करें तो प्रभाव किसी वस्तु का गुण होता है, तो इसमें गुणवाचक विशेषण है, लेकिन हमें नहीं बताना है कि जिसमें नहीं है। तो पहला ऑप्शन तो हमारा नहीं होगा। अगला है पाश्चात्य, पाश्चात्य भी आपका गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आएगा, यानी किसी चीज़ को बता रहा है कि कोई वस्तु पुरानी है यानी पाश्चात्य है, तो यह भी गुण बता रहा है, तो यह भी हमारा ऑप्शन नहीं होगा आंसर। अगला है ऐतिहासिक, बता रहा है कि कोई वस्तु ऐतिहासिक है यानी काफ़ी लंबे सदी से यह है, यानी अस्तित्व में है, यानी ऐतिहासिक है, इतिहास काल से है, तो यह भी आपका सी ऑप्शन भी नहीं होगा। अगला है बहुत लंबी रस्सी, तो बहुत लंबी रस्सी जो है यह कहीं ना कहीं जो है परिमाण को बता रहा है, और इसमें आपका गुण नहीं है, तो यह आपका परिमाणवाचक विशेषण होगा कि बहुत लंबी रस्सी है, यहाँ पर लंबाई की बात हो रही है। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन सही होगा वह डी ऑप्शन सही है, यानी बहुत लंबी रस्सी जो शब्द है इसमें आपका गुणवाचक विशेषण नहीं है, और नहीं ही आपको पूछा गया था यहाँ पर प्रश्न में। तो इस प्रकार हमारे कंप्लीट होते हैं आपके 50 प्रश्न, और सेशन में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सेशन को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में अगले टॉपिक के साथ। यानी हमारा जो आपका विशेषण का टॉपिक था यह आज समाप्त हो चुका, यानी इससे हमने 50 क्वेश्चन को कर लिए हैं। इसके बाद हम प्रश्न जो करेंगे वो अगले टॉपिक से करेंगे, और अगला टॉपिक हमारा होने वाला है अनेक शब्द या वाक्यांशों के लिए एक शब्द। तो एक टॉपिक हमारा ख़त्म हो गया, दूसरे टॉपिक से हम 50 क्वेश्चन करेंगे, यानी जो हमारी सेकंड सीरीज आएगी प्रैक्टिस सेट सेकंड जो आएगा वह आपका होगा अनेक शब्दों या वाक्यांशों के लिए एक शब्द। तो इस प्रकार सेशन में बने रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।